हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज कास्ट हिंदी चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हर रोज और कभी कभी आप अपने घर में कुछ ना कुछ रिपेयर वर्क्स करते रहते हैं। उनमें से कुछ उदाहरण कहूँ तो वॉल क्लॉक, फोटो फ्रेम, डेकोरेटिव वॉल लैंप, ट्यूबलाइट, इस तरह के चीज़ों को अगर आप दीवार पे माउंट करना चाहते हैं, और किचन के रूम में जो किचन का आइटम्स है उसको अगर आप दीवार पे माउंट करना चाहते हैं, और बाथरूम में जो साबुन का स्टैंड, ब्रश स्टैंड और टॉवल को हैंग करने के लिए जो हैंगर है उसको अगर आप दीवार पे माउंट करना चाहते हैं, और आपके घर के कमरे में जो कपड़े हैं उसको हैंग करने के लिए जो हैंगर है उसको अगर आप दीवार पे माउंट करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आप दीवार पे छेद करके वहां पे कील को ठोकना पड़ता है। अगर आपके घर में कुछ वुड के फर्नीचर से जैसे कि टेबल, चेयर, स्टूल, उनमें से जो स्क्रूज है कभी कभी लूज भी हो जाते हैं, उन स्क्रूज को टाइट भी करनी पड़ती है, तो इन सब चीज़ों के लिए चाहिए एक पावर टूल। आप एक सादा हैमर, स्क्रू ड्राइवर और जंपर से ये सब कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ती है और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होती है, लेकिन इस पावर टूल से आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरह से कम समय में कर पाएंगे। ये पावर टूल क्या है आज इस वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, पास में जो घंटी बटन है, बेल आइकन है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पे देख पा रहे हैं इस टूल किट बॉक्स को, ये एक ड्रिलिंग मशीन है। इस बॉक्स को मैं पहले ही ओपन कर चुका था कंटेंट्स को चेक करने के लिए डिलीवरी के टाइम में, फिर से एक बार यहाँ पे आपके लिए अनबॉक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इसका ब्रांड नेम देख पा रहे हैं, बोश लिखा गया है, यहाँ पे इसका लोगो मेंशन है। अब बॉक्स के सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप एक लेबल देख पा रहे हैं, इस लेबल के ऊपर इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रोफेशनल इम्पैक्ट ड्रिल लिखा गया है, और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा गया है, इसका मॉडल नंबर है GSB550, और यहाँ पे इसका वॉटेज लिखा गया है 550 वाट से, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है, आप चाहे तो इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस ड्रिलिंग मशीन का पिक्चर दिया गया है। अब बॉक्स के लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे एक लेबल अटैच्ड है, और इस लेबल के ऊपर भी इसका ब्रांड नेम लिखा गया है, इसका मॉडल नंबर मेंशन है, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है, आप चाहे तो इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अब बॉक्स के राइट साइड पर देखते हैं, यहाँ पे भी इसका मॉडल नंबर लिखा गया है और यहाँ पे कुछ बार कोड दिया गया है। पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लेन है, और नीचे की तरफ देखते हैं तो वह आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी, और ऊपर की तरफ देखिए एक अच्छा सा हैंडल दिया गया है, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको पकड़ के आप इजीली कैरी कर पाएंगे, और इस हैंडल का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा है। इस बॉक्स को ओपन क्लोज करने के लिए यहाँ पे दो रेड कलर सा लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, इस लॉक के ऊपर भी आप देख पा रहे हैं ब्रांड नेम लिखा गया है, और इस बॉक्स का जो कलर है ब्लू एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन है। इस ओवरऑल बॉक्स का जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है, ये ड्यूरेबल भी है। अब इस बॉक्स को ओपन करके हम यहाँ पे देखते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही पहले आप यहाँ पे एक ट्रे देख पा रहे हैं, इस ट्रे में पार्टीशंस दिया गया है, स्टोरेज स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप छोटे छोटे चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, और इस ट्रे में भी एक अच्छा सा हैंडल दिया गया है। इस ट्रे का बिल्ड क्वालिटी देखते हैं तो ये टोटली प्लास्टिक से बना हुआ है, अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस ट्रे को हम साइड में रखते हैं, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो ये है सर्विस सेंटर डायरेक्टरी, सारे सर्विस सेंटर का जो एड्रेस है इसमें दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब दूसरा जो चीज़ है उसको हम देखते हैं यहाँ पे, ये है वारंटी कार्ड। ये जो मशीन है आपको 6 मंथ वारंटी के साथ आता है, वारंटी क्लेम करने के लिए जो परचेज बिल है उसको आप संभाल के रख सकते हैं, तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब तीसरा जो चीज़ है ये है यूज़र मैनुअल, इसमें इस मशीन के बारे में सारे डिटेल्स दिया गया है, आप यहां पे देख पा रहे हैं। मैंने इस मशीन को 3900 रुपीज़ से परचेज़ किया था अमेजन से, कभी कभी इसका जो प्राइस है वो अप एंड डाउन भी होते हैं, तो इस यूज़र मैनुअल को हम साइड में रखते हैं। नेक्स्ट यहां पे एक थर्मोकोल का शीट दिया गया है, इसको भी हम यहां पे हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम हर एक चीज़ को एक एक करके देखते हैं। पहले ये देखते हैं, ये है कुछ कलरफुल वॉल कैप्स है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं येल्लो, रेड, ब्लू कलर में दिया गया है, इसको आप दीवार में फिक्स करके इसमें स्क्रू को फिक्स कर सकते हैं, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ सेट ऑफ स्क्रूज यहाँ पे दिया गया है, 3 अलग अलग साइज के स्क्रूज है ये, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। और एक चीज़ को यहाँ पे देखते हैं,
ये है मेसनरी ड्रिल बिट्स, जो हार्ड सरफेस है मतलब वॉल, ब्रिक, कंक्रीट, स्टोन, इस तरह का जो सरफेस है वहाँ पे यूज़ करने के लिए ये दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पे ओपन करके भी देखते हैं। तो ये चार पीसेस आपको मिलेंगे, चार अलग अलग साइज के। साइज जानने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज मेंशन किया जाता है। यहाँ पे देखिए 10 mm लिखा हुआ है, और एक बिट का साइज हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो है 8 mm, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और एक बिट का साइज हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका जो साइज है वो है 6 mm, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और एक बिट का साइज यहाँ पे हम देखते हैं ये है 4 mm का है। इस तरह चार अलग अलग बिट्स, ये मशीनरी बिट्स दिया गया है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। इसका जो क्वालिटी है वो भी अच्छा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब और एक चीज़ को यहाँ पे देखते हैं, ये है वुड ड्रिल बिट्स है, ये लकड़ी का यानी कि वुड वर्क जब करते हैं तो आप उस वक्त इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। तो ये भी चार अलग अलग साइज के चार पीसेस यहाँ पे दिया गया है। इसका साइज जानने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो है 10 mm। दूसरा जो बिट है इसका साइज देखते हैं तो ये है 8 mm, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तीसरा जो बिट है इसका साइज देखते हैं तो ये है 6 mm, ये है 4 mm। ये चारों बिट्स का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। दूसरा और एक चीज़ को यहाँ पे देखते हैं, ये है PH2 स्क्रू बिट्स है ये, तो इसको भी हम ओपन करके यहाँ पे देखते हैं। ये दो पीसेस यहाँ पे दिया गया है, आप इसको स्क्रू ड्राइवर के तरह स्क्रू को फिक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका क्वालिटी भी आप देख पा रहे हैं अच्छा है, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। दूसरा और एक चीज़ को देखते हैं, और ये है डेप्थ गेज। इसके ऊपर आप रीडिंग्स भी देख पा रहे हैं, स्केल के तरह है ये, मेजर करने के लिए। आप दीवार में छेद करते हैं तो कितना डेप्थ तक आपको छेद चाहिए उसके लिए आप इसको उपयोग कर सकते हैं, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है ये है ऑक्सिलरी हैंडल। जब आप इस ड्रिलिंग मशीन को चालू कर रहे हैं तो उस वक्त आपके हाथ में एक अच्छा सा ग्रिप पाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका बिल्ड क्वालिटी देखते हैं तो ये टोटली प्लास्टिक से बना हुआ है, अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है ये लाइट वेट भी है। और यहाँ पे देखिए दो विंग बोल्ट दिया गया है, दो अलग अलग रीजन्स के लिए, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तब तक इसको हम साइड में रखते हैं। अब इस मेन ड्रिलिंग मशीन को हम बाहर निकाल के देखते हैं। इस मशीन का बॉडी का कलर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ब्लू कलर का है। और यहाँ पे देखिए जो बॉडी है अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक से बना हुआ है, स्ट्रांग भी है, ड्यूरेबल भी है। यहाँ पे आप इसका ब्रांड नेम देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है प्रोफेशनल GSB 550। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप इसका वाट्स भी देख सकते हैं, ये 550 वाट्स का है। और इस मशीन का जो वजन है लगभग 1.8 kg तक है। इस मशीन में जो केबल यहाँ पे दिया गया है ये लगभग 2.5 मीटर की लेंथ की केबल है। इस केबल का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक 2-पिन प्लग दिया गया है पावर सॉकेट में कनेक्ट करने के लिए। अब इस मशीन में जो ऑक्सिलरी हैंडल यहां पे दिया गया है इसमें लगा के देखते हैं। इस ऑक्सिलरी हैंडल में यहां पे देखिए ये जो विंग बोल्ट है इसको थोड़ा आप इस तरह रोटेट करके लूज कर लीजिए यहां पे, और इसको इस तरह यहां पे स्लाइड कर लीजिए इस मशीन में, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये स्लाइड हो चुका है। अब आप यहां पे इस ऑक्सिलरी हैंडल का पोजीशन को सेट कर लीजिए, आप किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं, मतलब आप यहां पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखना चाहते हैं या वर्टिकल। तो यहां पे हम अगर हॉरिजेंटल पोजीशन पे रखेंगे इस तरह यहाँ पे, आप उसके बाद यहाँ पे टाइट कर दीजिए इस विंग बोल्ट को उस पोजीशन पे रख के, तो यहाँ पे देखिए ये जो पोजीशन है यहाँ पे फिक्स हो चुका है। इस तरह आप मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक अच्छा ग्रिप भी मिलेगा हाथ में। अगर आप इस पोजीशन को वर्टिकल में रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। यहाँ पे इस विंग बोल्ट को फिर से लूज कर दीजिए और इसको इस तरह नीचे की तरफ कर दीजिए, वर्टिकल पोजिशन में रख के आप फिर से इसको टाइट कर लीजिए यहाँ पे इस तरह। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वर्टिकल पोजीशन में, आप इस मशीन को चालू कर सकते हैं इस तरह हाथ में पकड़ के। आपका जो कन्वीनियंट है, किस पोजीशन पे आपको कन्वीनियंट हो रहा है उस पोजीशन पे रख के आप इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस मशीन में एक रेड कलर सा बटन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है स्पीड ट्रिगर।
ये एक ऑन ऑफ स्विच के तरह भी काम करता है, और इस बटन को अगर आप धीरे प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आप इस मशीन को धीरे चालू कर पाएंगे। अगर आप इस बटन को थोड़ा मीडियम में प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आप इस मशीन को थोड़ा मीडियम स्पीड में चालू कर पाएंगे। अगर आप इस बटन को थोड़ा टाइटली प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आप इस मशीन को थोड़ा हाई स्पीड में भी चालू कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक सर्कुलर शेप में बीच में जो ब्लैक कलर सा आप देख पा रहे हैं, ये है इस ट्रिगर का लॉक स्विच। ये एक ऑन ऑफ स्विच की तरह भी काम करता है। जब आप इस ट्रिगर बटन को प्रेस करके किसी भी एक स्पीड में आप इस मशीन को चालू करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली आप उस स्पीड को ही सेट करना चाहते हैं कॉन्स्टेंटली, तो वहाँ पे इस ट्रिगर बटन को प्रेस करके इस ये जो ब्लैक कलर का बटन है वहाँ पे प्रेस कर दीजिए, जो स्पीड है उस पोजीशन पे लॉक हो जाएगी। कॉन्स्टेंटली आप एक ही स्पीड में इस मशीन को चालू कर पाएंगे। अगर आप उस स्पीड को फिर से अनलॉक करना चाहते हैं तो इस बटन को दोबारा प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे फायदा ये है कि बार बार उंगली से आप इस ट्रिगर बटन को प्रेस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है चक की, इसको हम यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। ये जो की है ये एक इम्पॉर्टेंट की है इस मशीन के लिए, इसलिए यहाँ पे एक होल्डर दिया गया है। जब आप वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं इस की को यहाँ पे फिर से फिक्स कर लीजिए, ताकि आप इस की को कहीं पे मिस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बॉडी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है चक यानी कि क्लैंप, और ये है जास। यहाँ पे ही आप ड्रिल बिट को फिक्स कर सकते हैं। इस चक के ऊपर आप देख सकते हैं रेंज भी मेंशन किया गया है 1.5 to 13 mm। तो यहाँ पे हम एक ड्रिल बिट को लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मशीनरी ड्रिल बिट है। अगर मैं इसको यहाँ पे फिक्स करना चाहता हूँ तो इस चक को थोड़ा आप रोटेट करके इस तरह यहाँ पे लूज कर लीजिए, और वहाँ पे आप इस ड्रिल बिट को इस तरह फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उसके बाद फिर से इस चक को थोड़ा रोटेट कर लीजिए, और यहाँ पे इसको फुल टाइट करनी है। फुल टाइट करने के लिए जो की आपको दिया गया है यहाँ पे चक की, इसको आप इस होल में रख के इस तरह फुल टाइट कर सकते हैं। टाइट करने के बाद आप एक दो बार चेक कर लीजिए प्रॉपरली टाइट हुआ है कि नहीं। अगर आप इस ड्रिल बिट को फिर से बाहर निकालना चाहते हैं तो इस की से आप इसको लूज करके इस ड्रिल बिट को बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो दूसरा विंग बोल्ट है यहाँ पे डेप्थ गेज को पहले फिक्स कर देते हैं। तो ये जो डेप्थ गेज यहाँ पे दिया गया है इसको आप इस तरह यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए इस तरह। और ये जो ड्रिल बिट है उस लेवल पे इस डेप्थ गेज को पहले आप फिक्स कर लीजिए, इस तरह दोनों लेवल्स इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब इसको यहाँ पे टाइट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों का लेवल सेम हो चुका है। अब एक एग्जांपल बेसिस पे यहाँ पे मैं एक वाल प्लग लिया हूँ। मुझे सपोज वाल पे इतना लेंथ तक होल चाहिए, तो इस लेंथ को मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ इस डेप्थ गेज के ऊपर रख के। यहाँ तक आप मार्किंग कर सकते हैं, इस लेवल तक जो मार्किंग किए हैं उसको थोड़ा आप इस बोल्ट को लूज कर दीजिए और इसको थोड़ा पीछे मूव कर दीजिए जो मार्किंग किए थे आपने। अब यहाँ पे इसको टाइट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर मैं इस वॉल कैप को यहाँ पे रखता हूँ तो देखिए इन दोनों का लेवल अब एक हो चुका है। जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो जब वो लेवल यहाँ तक आ जाएगी आप वहाँ पे इस मशीन को ऑफ कर सकते हैं। इस तरह आप इस डेप्थ गेज को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम इस डेप्थ गेज को यहाँ पे निकाल देते हैं। निकालने के लिए देखिए इसको इस तरह लूज करके आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक रेड कलर सा एक स्विच दिया गया है, ये है ड्यूअल मोड स्विच, इसको आप सेलेक्टर स्विच भी कह सकते हैं। एक तरफ देखिए ये हैमर का सिंबल यहाँ पे देख पा रहे हैं, दूसरे तरफ ये नॉर्मल मोड है, इसको स्क्रू ड्राइवर मोड कहते हैं। अगर आप किसी हार्ड सरफेस पे ड्रिल करें जैसे कि वॉल, ब्रिक, कॉन्क्रीट, उस वक्त आप इस स्विच को इस तरफ स्लाइड कर दीजिए इस हैमर मोड पर, इसको आप इम्पैक्ट ड्रिलिंग भी कह सकते हैं। अगर आप किसी नॉर्मल ड्रिलिंग करें या किसी स्क्रू को फिक्स करें उस वक्त आप इस स्विच को उस तरफ स्लाइड कर दीजिए, यह है स्क्रू ड्राइवर मोड या नॉर्मल मोड। अब यहां पे देखिए ये जो रेड कलर सा स्विच आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर देखिए एरो मार्क किस तरफ दिया गया है। अब दूसरे तरफ देखते हैं वो स्विच के ऊपर देखिए दूसरा जो एरो मार्क है ऑपोजिट डायरेक्शन पे दिया गया है। तो इस स्विच को आप रोटेशनल डायरेक्शन स्विच कह सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मूव करने के लिए आप इस स्विच को यूज कर सकते हैं। अगर आप इस स्विच को इस तरह प्रेस कर देंगे तो वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप किसी स्क्रू को फिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तब आप इस स्विच को यूज कर सकते हैं। अगर आप इस स्विच को इस तरह यहाँ पे प्रेस कर देते हैं तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इस स्विच को
यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप इस तरह इस स्विच को यहाँ पे यूज कर सकते हैं जब आप किसी स्क्रू को फिक्स कर रहे हैं या स्क्रू को निकाल रहे हैं उस वक्त। इस मशीन में देखिए चारों तरफ अच्छे तरह से वेंटिलेटर भी दिया गया है, नीचे भी देखिए और ऊपर भी देखिए, यहाँ पे भी वेंटिलेटर दिया गया है। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं वेंटिलेटर्स दिया गया है। जब आप इस मशीन को ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं तो जो हीट जनरेट होता है उस हीट को कम करने के लिए यहाँ पर अच्छे तरह से वेंटिलेटर दिया गया है। जब आप इस मशीन को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो बीच बीच में थोड़ा ब्रेक दे के यानी कि ऑफ करके फिर से यूज़ करने के लिए कोशिश कीजिए। वैसे करेंगे तो इसके अंदर जो मोटर है उसके ऊपर थोड़ा दबाव कम भी होगा और आपका जो मशीन का लाइफ है वहां पे इंप्रूव भी होगा। अब इस मशीन को ऑन करके यहां पे इसका एक छोटा सा झलक भी देखते हैं। इस मशीन को ऑपरेट करते वक्त आप कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जिसको आप अलग सा परचेज कर सकते हैं। ये जो हैंड ग्लोव है ये हाथ के प्रोटेक्शन के लिए, और ये जो मास्क और ये जो आई ग्लास है ये डस्ट से प्रोटेक्शन पाने के लिए। जब आप इस मशीन को स्विच ऑफ करें तो ये जो 2-पिन प्लग है पहले पावर से डिस्कनेक्ट कर लीजिए, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रख लीजिए। दूसरा, जब आप इस मशीन को क्लीनिंग करते हैं उस वक्त भी आप इस 2-पिन प्लग को पावर से डिस्कनेक्ट करके ही आप इस मशीन को क्लीनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो उसका बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, पास में जो घंटी बटन है बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप कुछ कॉमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।